श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यशयतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के द्वितीय प्रवचन में, श्रीमद् भगवद गीता और हमारा जीवन। आज का प्रवचन आरंभ करने से पहले मैं एक बार पुनरावलोकन करूंगा जो हमने पिछले प्रवचन में सीखा, ताकि जो लोग उपस्थित नहीं थे और जो थे वो भी अपनी स्मृति में इसको दोबारा से ला सकें। तो पिछले पाठ में पहले मैंने मंगलाचरण के बारे में बताया था कि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में प्रथा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, जिसके दो प्रयोजन हैं, विघ्न विनाश और कार्य समाप्ति। और ये महाभाष्य का एक उद्धरण भी है पतंजलि का, जिन्होंने कहा है कि मंगलादीनि ही शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि च अध्यते राश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति। इसके जो कार्य मंगलाचरण के साथ किया जाता है वो सफल होता है और उससे लोग वीर पुरुष होते हैं, आयुष्मान होते हैं, और अध्येतेरा मतलब जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करते हैं वो सिद्धार्थ, उनके अपने प्रयोजन में सफलता मिलती है, ऐसा उनका कहना है। मंगलाचरण भी वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं, इसके विषय में मैं ज़्यादा विवेचन नहीं करूँगा। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो पिछले पाठ में मैंने कहा था कि इस भगवद गीता के विषय में प्रवेश करने से पहले मैं थोड़ी भूमिका बनाऊंगा। भूमिका जैसे मैंने कहा था कि किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए आपको कुछ सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, उसको भूमिका या पीठिका कहते हैं। जैसे गांव में पीढ़ा होता था बैठने के लिए, पीढ़ा शब्द इसी पीठिका से आया है। पीठ भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं व्यासपीठ, तो पीठ का मतलब शरीर का अंग भी होता है पीठ, और बैठने के स्थान को भी पीठ कहते हैं, पीठाधिपति, कई बार आपने सुना होगा शब्द। तो ये उसके भगवद गीता क्योंकि बहुत जटिल विषय है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर संक्षेप में कहना चाहते हो तो थोड़ी जटिलता आ ही जाती है उसमें, और क्योंकि भगवद गीता में पूरे 18 विद्याओं का सार है, तो ये वास्तव में काफ़ी जटिल है। सरल भी है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है और बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ विषय इसमें बहुत ही गूढ़ हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी भूमिका बना रहा हूँ ताकि हम उन गूढ़ विषयों को भी समझ सकें। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे भारत में 18 विद्याएं हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया था। अब मैं थोड़ा शास्त्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं तो हमें अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे जितने भी
शास्त्र हैं जिनको ग्रंथ भी बोलते हैं, उनके दो भेद हैं मुख्य रूप से। एक को श्रुति कहते हैं, दूसरे को स्मृति कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, हर विषय पर शास्त्र है। धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कामशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, भक्ति शास्त्र हैं। तो इन सब का एक विभाजन किया गया है, नहीं तो पता नहीं चलेगा व्यक्ति को किसको क्या पढ़ना है। क्योंकि हर एक पुस्तक हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। जैसे आज इतना ज्ञान हमें उपलब्ध है संसार में, इतने विषयों पर उपलब्ध है, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए तो नहीं है। जिसको संगीत सीखना है वो संगीत शास्त्र पढ़े, जिसको कंप्यूटर सीखना हो अपने कंप्यूटर आईटी में जाए, जिसको इंजीनियरिंग सीखनी है वो इंजीनियरिंग सीखे। तो उसके सबके अलग अलग ग्रंथ हैं। इसी प्रकार हमारे भी अलग अलग शास्त्र थे। तो सबसे पहले उनके दो मुख्य विभाग हैं जिनको श्रुति और स्मृति बोलते हैं। श्रुति का दूसरा नाम अभिधा आख्या वेद है। तो वेद शब्द जो है वो विद धातु से आया है, और संस्कृत में चार विद धातुएं हैं, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद प्राप्तो। तो इसका मतलब होता है वेद के जिससे आप ज्ञान प्राप्त करें, जिससे आप अपनी प्रयोजन को प्राप्त करें, तो इसको वेद कहते हैं। और ये वेद जो है इसको सर्वोच्च पुराण प्रमाण हमारे यहाँ माना गया है, क्योंकि इसका कोई रचयिता नहीं है और ये नित्य है, इसमें कोई अदल बदल नहीं होती है। जैसे सृष्टि के आरंभ में थे वैसे ही हैं, और इस सृष्टि के बाद में जो दूसरा सृष्टि का क्रम आएगा उसमें भी यही वेद रहेंगे इसी प्रकार से। तो ये भगवान से प्रसूत हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में इनकी सर्वोच्च मान्यता है। इनके विरुद्ध में कोई भी आस्तिक व्यक्ति नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनके विषय में कुछ बोल सके। ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। और इसके अलावा जो भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हैं, इतिहास हैं, तंत्र हैं, आगम हैं, संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, उन सबको कहते हैं स्मृति। तो वास्तव में स्मृति शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, स्मरण करना। जैसे कहते हैं ना कि वो वस्तु मेरी स्मृति में नहीं है इस समय। तो इनको भी स्मृति इसलिए किया जाता है कि जो ऋषि लोग थे उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको समझा, उनका साक्षात्कार किया, और फिर समाज के कल्याण के लिए उस वेद के ज्ञान को उन्होंने अपनी भाषा में हमें दिया। तो वो वेद के ज्ञान को समझकर और स्मरण करके इन ग्रंथों को लिखते हैं, इसलिए उनको स्मृति कहा जाता है। तो वेद को वेद क्यों कहते हैं, इसका ये एक श्लोक है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदंती वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद को वेद इसलिए कहते हैं कि जो भी उपाय आप किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष से हमको ज्ञान तीन प्रकार से प्राप्त होता है। एक प्रत्यक्ष से, जैसे हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, उससे हमको ज्ञान होता है, हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। और हम अनुमान से भी पता लगाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्रत्यक्ष का ज्ञान है वो केवल वर्तमान में ही होता है। जो वस्तु भूत में हुई है, जो भविष्य में होगी, उसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष होता है हमारी इंद्रिय के संपर्क से। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये इसकी व्याख्या है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संयोग या संपर्क होता है, उससे जो ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो उसके लिए तो इंद्रिय वस्तु का संपर्क होगा, तभी तो होगा ना। वो तो वर्तमान में ही संभव है। जो चीज़ भूतकाल में थी उसका तो इंद्रिय के साथ में संपर्क हो नहीं सकता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष की ये एक सीमा है कि ये हमको वर्तमान में ही ज्ञान दे सकती है। तो जो बात पहले हो चुकी है उसका हमको कैसे ज्ञान होगा? तो उसके लिए अनुमान और शब्द है। अनुमान भी एक तकनीकी शब्द है, जो हम किसी लिंग को देखकर उसका अनुभव करते हैं,
अनुभव नहीं, मतलब उसका पता लगाते हैं। जैसे अगर कहीं पर धुआं दिखाई देता है तो आप एक अनुमान करते हैं कि यहाँ पर आग होगी, क्योंकि आग के बगैर धुआं नहीं होता है। तो ये बहुत एक विस्तृत विषय है अनुमान प्रमाण का भी। और तीसरा वाला है शब्द, जो हम किसी प्रमाणिक पुरुष से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जितने भी शास्त्र हैं ये शब्द प्रमाण में आते हैं, क्योंकि इनका जो विषय है वो हमें प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़कर सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार आप किसी से कुछ पूछते हैं किसी के बारे में, कोई दूसरे विदेश से आया है, उसके आप पूछें कि वहाँ पर कैसे लोग हैं, कैसे काम करते हैं, क्या खाते हैं, तो वो आपको वर्णन करेगा, तो वो आपका शाब्दिक ज्ञान है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो स्वयं प्रत्यक्ष किया है और उसका वर्णन आपको कर रहा है। तो स्मृति जो है वो ऋषियों ने स्वयं प्रत्यक्ष करके हमें दी कि समाज में उसका कैसे प्रयोग किया जाए, क्योंकि वेद जो है वो इस प्रकार से हैं जैसे हमारे आधुनिक विज्ञान में कुछ फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूलों का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे एक साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है और मिनी के शाब्दिक ज्ञान। थ्योरेटिकल नॉलेज माने केवल शाब्दिक ज्ञान, और एक उसका एप्लीकेशन है, प्रयोग, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो स्मृति शास्त्र हमको सिखाते हैं कि उस ज्ञान का, वेद के ज्ञान का हमें अपने जीवन में प्रयोग कैसे करना है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ धर्म के अनेक नियम हैं कि ये संस्कार कैसे किए जाए, कैसे उसको कैसे करना चाहिए, तो उसका ज़्यादा विषय जो है वो हमें वेदों से नहीं मिलता है, वो स्मृतियों से मिलता है। तो ये दो मुख्य विभाग हैं हमारे शास्त्रों के, इसको हमें समझना और ध्यान में रखना चाहिए। और उसके फिर आगे विभाग इस प्रकार से हैं, वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आप सभी लोग जानते हैं इसके। लेकिन इनकी शाखाएं हैं, बड़े विभाग हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, सामवेद की 1000 शाखाएं थी, यजुर्वेद की 100 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं। लेकिन इस समय प्राय करके लुप्त हैं सब, कुल 10-12 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, बाकी सब लुप्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लिखने की परंपरा नहीं थी, लोग श्रवण करके और फिर आगे उसकी परंपरा चलाते थे। तो गुरु से शिष्य ने सुना, उसको याद किया, फिर आगे उसने अपने शिष्य को सुनाया, इस प्रकार से ज्ञान की रक्षा होती थी। तो परंपरा टूटने से ये सब शाखाएं लुप्त हो गई हैं इस समय। और इनको एक रखने का एक तरीका था, एक विधि थी कि इसमें कोई विभ्रंश ना हो, जो ज्ञान के, जो वेद के जो ऋचाएँ हैं उनमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना आए, किसी प्रकार का कोई करप्शन ना हो। तो उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमारे जो ऋषि लोग थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की विधियां निकाली थी, जैसे लिखा हुआ है जटा माला शिखा। तो उसके पाठ हैं अलग अलग, क्रम पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, ये अनेक प्रकार से। तो आपने सुना होगा क्रम पाठी, वेद पाठी, घन पाठी, ब्राह्मण हुआ करते थे। तो वो पूरा वेद को इस तरह से याद करके रखते थे और वो सुना सकते थे उसको, क्योंकि जो वेद की जो संस्कृत है उसमें उच्चारण करने की विधियां अलग हैं, उसमें स्वरित, उद्दात, ये इस प्रकार से शब्द जो हैं किस प्रकार, कहाँ उसको ऊंचा बोला जाएगा, कहाँ नीचा बोला जाएगा, तो वह इस प्रकार का उच्चारण की विधि जो है वो स्मृति ग्रंथों में नहीं है। तो इसकी भी एक विशेषता है, इसलिए मंत्रों को सीखना पड़ता है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण से ही उनमें शक्ति है, और उसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। और फिर प्रत्येक वेद के भी चार विभाग हैं, चार वेद, उसके चार विभाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, अंतिम जो उसका अध्याय होता है उसको उपनिषद होते हैं। तो पहले उपनिषद भी कम से कम 1130 उपनिषद थे, अभी कुल 100-150 के करीब उपलब्ध हैं, बाकी सब लुप्त हो गए।
फिर चार वेद के अलावा चार उपवेद हैं, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो ये अथर्ववेद का उपवेद है। इसी प्रकार धनुर्वेद था, यानी कि युद्ध की जो विज्ञान है। गंधर्व वेद, जितने भी जिसको आजकल कहते हैं आर्ट, तो वो वहाँ पर हैं, नृत्य, गान, इस प्रकार का। और स्थापत्य वेद जो है वो निर्माण की कला। तो अभी भी दक्षिण भारत में स्थापति होते हैं जो मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, उसके ज्ञान को जानते हैं। और फिर वेद के वेदांग हैं, क्योंकि वेद को समझने के लिए आपको कुछ और प्राथमिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो जैसे शिक्षा है, शिक्षा माने उच्चारण, इसका उच्चारण कैसे किया जाए। छंद, वेद में छंद है, मीटर जिनको बोलते हैं, तो अनेक प्रकार के, जैसे गायत्री एक छंद है, अनुष्टुप छंद है, तो उनका ज्ञान। व्याकरण, उसका आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के बिना आपको उनका अर्थ समझ नहीं आएगा। तो शिक्षा और छंद का प्रयोग जो है वो तो केवल उच्चारण में होता है, व्याकरण उसका अर्थ समझने के लिए। निरुक्त जो है वो एक उनका कोश है। वेद में अनेक शब्द ऐसे आए हैं जो और कहीं उपयोग नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कहीं और उपयोग भी होते हैं लेकिन वेद में उनका अर्थ अलग है। तो उसके लिए एक निरुक्त नाम का कोश है, डिक्शनरी है, जो यास्क मुनि ने बनाया करीब 3000 साल पहले, और उससे पहले निघंटु था, तो निघंटु की व्याख्या ही निरुक्त है, तो उसको भी सीखना पड़ता है। फिर कल्प है, कल्प जो है वो सिखाता है कि जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उनमें वेदी किस प्रकार से बनाई जाएगी, क्या विधि है। और ज्योतिष, ये भी वेदांग है, क्योंकि जितने भी कर्मकांड के क्रियाएं हैं वो किसी विशेष स्थान पर विशेष मुहूर्त में की जाती हैं, तो मुहूर्त का ज्ञान जो है वो ज्योतिष शास्त्र से होता है। फिर आते हैं स्मृति पर। इतना, ये तो सब वेद के विषय था। उसके बाद में स्मृति में आते हैं इतिहास। इतिहास में हमारे दो मुख्य ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। उसके अलावा 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। फिर तंत्र हैं, और तंत्र भी एक बहुत विशाल काय, विपुल राशि है हमारे यहाँ ग्रंथ की। तंत्र के भी 3 विभाग हैं, वैष्णव तंत्र हैं, शैव तंत्र हैं, शाक्त तंत्र हैं, गणपत्य तंत्र हैं। और इसके अलावा फिर धर्मशास्त्र हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कम से कम 20-30 स्मृतियाँ अभी भी उपलब्ध हैं। तो उनमें मानव जीवन को किस प्रकार से रहना चाहिए, जैसे आजकल किसी भी देश का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्लियामेंट है जो नियम बनाती है, लेजिस्लेचर बॉडी, तो ऐसे ही हमारे यहाँ धर्मशास्त्र था जिसके अनुसार राजा लोग राज्य करते थे। कितना टैक्स लगाना है, किसको कितना पनिशमेंट दंड देना है, मनुष्यों को किस प्रकार से, ये भाग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। जो मुख्य भाग है धर्मशास्त्र का वो ये है कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये किसको कितना दंड देना, कितना टैक्स देना, ये करना वो करना, ये तो एक छोटा भाग है धर्मशास्त्र का। तो जिसको आजकल पूरा पिनल कोड कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो ये सब धर्मशास्त्र से आता है। और इसी का वर्णन जो आप पुराण और उपपुराण में मिलेगा। पुराण में प्राय करके 5 विषय होते हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं च इति पुराणं पंचलक्षणम्। तो पुराण के 5 लक्षण या 5 विषय हैं। एक तो उनमें सर्ग, क्रिएशन के बारे में, ये संसार कैसे बना, इसका हर एक पुराण में वर्णन मिलेगा आपको, किसी में विस्तार से, किसी में संक्षेप से। दूसरा प्रतिसर्ग, ये संसार का विलय कैसे होता है, विनाश कैसे होता है। फिर वंश, ऋषियों के वंश, राजाओं के वंश, उनके बारे में। और मन्वंतर, ये ब्रह्मा का एक दिन जो होता है जिसमें 1000 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, इनको 4 को चतुर्युगी बोलते हैं, ये 1000 बार जब बीत जाते हैं तो वो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी ही उसकी एक रात होती है। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में 71 मनु होते हैं,
तो उन मनुओं का वर्णन है। तो मनु जो है वही मनुष्य का मूल स्रोत है, इसलिए मानव बनता है उससे, मनु से मानव या मनुष्य, अंग्रेजी में भी मैन बोलते हैं। तो मनु जो है वो प्रथम मनुष्य था। और वंशानुचरितम, तो इनमें बड़े बड़े राजाओं के ऋषियों के चरित्र हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है ताकि हम उनको पढ़ के उनसे सीख ले सकें कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ये स्मृतियाँ हैं। इसके अलावा भारत में फिर दर्शन है, जिसको आजकल फिलॉसफी बोलते हैं। वास्तव में दर्शन शब्द का कोई संस्कृत इंग्लिश में शब्द है नहीं, फिलॉसफी भी उसका ठीक ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि अनेक संस्कृत के शब्द हैं जिनका इक्वलेंट अंग्रेजी में कोई है नहीं, उसके सम शब्द दूसरी भाषाओं में नहीं है। भारतीय भाषाओं में तो हैं लेकिन विदेशी भाषाओं में नहीं मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, इंग्लिश संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि हम अपने संस्कृत के शब्दों को वास्तव में उनका मूल अर्थ क्या है इसको समझें, क्योंकि ट्रांसलेशन होने के बाद में उसका अर्थ बदल जाता है। तो दर्शन का वास्तव में अर्थ होता है जिससे आपको दृष्टि मिलती है और जिससे आपको वास्तविक वस्तु जो तत्व है उसको, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, जो भी नाम दें, उसका आपको दर्शन होता है। दर्शन मतलब आपको उसका अनुभव होता है। तो हमारे यहाँ हर एक दर्शन में इसलिए एक प्रायोगिक भाग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे पाश्चात्य में भी अनेक दर्शन है, फिलॉसफी हैं, लेकिन उनमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपको क्या करना क्या है वो केवल एक थियोरेटिकल चीज़ है, शाब्दिक, इसको बैठ के आप विचार करते रहिए, लेकिन मनुष्य को अपने में कैसे परिवर्तन लाना है, हमें कैसे अपने जीवन में उन्नति करनी है, उसके बारे में कोई विचार नहीं है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ जो दर्शन है उन सब में ये विचार है। तो दर्शन के दो विभाग हैं, एक आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। तो आस्तिक का भी जो ट्रांसलेशन किया जाता है थीस्ट, नास्तिक का एथीस्ट, वास्तव में वो गलत ट्रांसलेशन है। आस्तिक का मतलब है जो विश्वास करता है कि वेद सही है। वेद निंदकस्तु नास्तिक है, जो वेद को नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं हमारे यहाँ। आप भगवान में विश्वास करते हैं, वेद में नहीं करते हैं, तो आप नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में आप विश्वास करते रहिए, भगवान के शब्द को नहीं मानते हैं, तो आप नास्तिक ही हैं। आप मेरे में कहें मैं आप में बड़ी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन मैं कहूँ एक गिलास पानी ला के दोगे, तो आप कहें मैं क्यों लाऊँ, आप लीजिए अपने आप, तो मेरे में क्या श्रद्धा है आपकी? तो एक शाब्दिक श्रद्धा है। तो इसलिए हमारे यहाँ नास्तिक की व्याख्या ये नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानता है, जो वेद को नहीं मानता है, जो शास्त्र को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो ये जितने भी दर्शन हैं इनका मूल तो वेद ही है सबका, लेकिन जो ऋषि हुए उन्होंने अपने विचार से इस संसार को व्याख्या करके और उसका एक प्रायोगिक रूप देने का प्रयास किया है, और ताकि संसारिक जो लोग हैं उस वो अपने जीवन में उसको उतार के उस तत्व वस्तु का दर्शन कर सकें। क्योंकि हमारे वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जिसको मैं कहूँगा कि पूरे वेद का सार एक ही वाक्य में है, जो कि याज्ञवल्क ऋषि ने अपनी पत्नी को बोला, मैत्रेयी को। उसने कहा, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य हो मैत्रेयी। इसमें पूरा दर्शन आ जाता है। इसी की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। एक जैसे जिसको बीज बोलते हैं ना, वो है ये हमारे ज्ञान का। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो आत्मा, आत्मा का मतलब केवल हमारी आत्मा नहीं है, परमात्मा को भी आत्मा ही बोलते हैं। आत्मा शब्द का वास्तव में मूल अर्थ परमात्मा ही है। आतत्वात् मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। आत्मा शब्द का अर्थ होता है आतत्वात्, आत आत्मा ने जो हर जगह व्याप्त है, और मातत्वात् माँ माने जो सबकी माँ है, यानी का जो सबका मूल स्रोत है, तो वो तो भगवान ही है। इसलिए वास्तव में आत्मा का मूल अर्थ है भगवान या परमात्मा। तो उनको उन्होंने कहा कि मैत्रेयी जीवन का जो सार है आत्मा वारे द्रष्टव्य, इस आत्मा परमात्मा को अनुभव करना।
तो प्रश्न आता है कि उसका अनुभव कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा श्रोतव्य, कि सबसे पहले आप सुनिए, यानी कि आप शास्त्र का श्रवण करें। श्रवण करने का मतलब उसको आप अध्ययन करें, क्योंकि पहले ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे तो उनका श्रवण ही किया जाता था। और मंतव्य, फिर श्रवण करके, यानी कि श्रवण करके आप सो गए, उसके ऊपर आप मनन करें। हमारे यहाँ ऐसा कोई राजाज्ञा नहीं थी कि राजा ने ये कह दिया तो आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा। आपको पूरा अधिकार है, जो आपने सुना है उस पर आप मनन करके, आपको शंका है प्रश्न पूछिए, और आप सहमत नहीं हैं तो कहिए कि नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया या इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये हमारे शास्त्र की एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि यहाँ किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाती है। भगवान कृष्ण भी आप देखेंगे, वो बोल रहे हैं तो अर्जुन बार बार प्रश्न करता है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे से क्यों प्रश्न करते हो, मैं तो भगवान हूँ, नहीं, वो पूछते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और फिर उसको समझाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने हृदय से संशय दूर नहीं करेंगे, तो आप उसको अपने हृदय से उसका पालन भी नहीं करेंगे, या फिर आप एक धर्मांधता से चलेंगे। तो हमारे यहाँ धर्मांधता को बढ़ावा नहीं दिया गया, विचार को बढ़ावा दिया गया, इसलिए तो इतने सारे दर्शन आए विचार के कारण। तो अनेक ऋषियों के आपस में मत मतांतर इसलिए होते थे, नासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। तो श्रुति में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, कहीं उनका विरोध भी लगता है, ऋषि भी, तो उनको कैसे समझा जाए, इस सब का विश्लेषण हमारे यहाँ पर है। तो लेकिन दर्शन का जो मूलभूत बीज है वो एक ही है, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत। क्योंकि इसको कोई मना नहीं कर सकता है, चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सुखम में स्यात्, मैं सुखी रहूं, इसको कौन नहीं चाहता है। आप भगवान में विश्वास करें, वेद में विश्वास करें, ना करें, लेकिन इसमें तो आपका विश्वास है कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ। अन दुखम मा भूत, और मैं कभी दुखी ना हूँ। तो इन्हीं दो वाक्यों को लेकर जो है हमारे सारे दर्शन प्रसूत हुए हैं, उनका प्रवर्तन किया गया है। और इसलिए इस दर्शन का समझना बहुत आवश्यक है। मनुस्मृति में एक बहुत अच्छा वाक्य है, सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भीर्ण बद्ध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। कि अगर आपका सम्यक दर्शन है, यानी कि आप अपने जीवन के बारे में विज्ञ व्यक्ति हैं, आपको अज्ञान नहीं है, तो आप अपने कर्म से नहीं बंधेंगे। नहीं तो हर एक व्यक्ति यहाँ कर्म से बंधा हुआ है, चाहे आप उसमें विश्वास करें या ना करें। मैंने पिछले पाठ में भी ये कहा था कि जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सबके ऊपर लागू है, हम उसमें विश्वास करें या ना करें, नहीं करेंगे तो हम दुख उठाएंगे, और हम अगर उसको जानते हैं तो हम देखेंगे कि मैं गिर ना पड़ूं, पैर ठीक से रखूं, या छत के ऊपर हूं तो छत के बाहर अपना कदम ना रखूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो ये देखेगी नहीं कि भाई ये जानता है नहीं जानता, आप तो गिरोगे और आपकी हड्डी टूटेगी या मर जाओगे। तो इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है, और जिसके पास दर्शन नहीं है, दर्शन विहीन वस्तु, वो संसार में बंधा रहता है। दर्शन विहीन का मतलब यही होता है जैसे मेरी आँख ना हो। तो इसलिए कहा गया कि ये जो श्रुति स्मृति है ये हमारी आँख के समान है, जैसे हमारी दो आँखें हैं ऐसे हमारे दो शास्त्र हैं, श्रुति और स्मृति। तो उनके बगैर जो है आदमी अंधा है, अंध एव स, श्रुति स्मृति विहीन वस्तु अंध एव, बिल्कुल अंधे हैं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, और अगर वो नहीं होगा तो हम दुखी रहेंगे। जैसा कि समाज में देखा जाता है, लोगों के पास चाहे कुछ भी हो दुखी इसलिए हैं। तो इन दर्शन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तो अलग अलग विषय है, इस पे तो वर्षों तक प्रवचन किए जा सकते हैं। लेकिन कम से कम हमको इनके बारे में नाम तो पता ही होना चाहिए। आजकल अनेक भारतीय लोग विदेश जाते हैं, और विदेश में काफ़ी लोग पूछते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता, फिर वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। मैं एक बार विदेश से आ रहा था तो
मेरे पास में एक भारतीय बैठा हुआ था, उसके पास में विदेशी बैठा हुआ था, उसने कुछ पूछा तो वो कहता हाँ गीता में ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं तो गीता पढ़ी है तो ऐसे कहीं गीता वीता में कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसे, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था, वो ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं है। और ये बड़ा दुख का विषय है कि हम भारतीय लोग अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, कम से कम गीता कोई पढ़ें, इतनी छोटी सी किताब है। अब इससे छोटा धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा आपको, तो इसको भी हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर हम काहे को अपने को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ या जो भी हूँ या सनातनी हूँ। तो आप चाहे अपने को हिंदू कहें, सनातनी कहें, आर्य समाजी कहें, कुछ भी कहें, कम से कम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, कम से कम एक दो गीता का तो होना चाहिए और भी ना हो तो, क्योंकि इस गीता में इतना भरा हुआ है कि आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम इन दर्शनों का नाम तो हमें पता होना चाहिए। आज तो आप चले जाएं किसी को नाम पता नहीं होगा। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये छह मुख्य दर्शन हैं। आजकल जो प्राय करके जो प्रचलित हैं वो योग और वेदांत है। योग के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत प्रचार है पूरी दुनिया में, योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, और एक वेदांत। बाकी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, इनको बहुत कम लोग जानते हैं। जो वास्तव में दर्शन में विशेष रुचि रखते हैं वही जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता है। पर योग और वेदांत के बारे में फिर भी अभी प्रचलन है। तो जो भी ज़्यादातर लोग जो अभी अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो या तो योग मार्ग से होगा या वेदांत। और वेदांत दर्शन के दो विभाग हैं, एक प्राय करके एक भ्रांति है जो दर्शन के मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी, कि दर्शन का वेदांत का मतलब होता अद्वैत वेदांत। नहीं, ऐसा नहीं है। अद्वैत वेदांत के दो विभाग हैं, एक अद्वैत वेदांत है, एक वैष्णव वेदांत है। तो अद्वैत वेदांत के मूल प्रवर्तक श्री आदि शंकराचार्य जी हैं, जिनके जिन्होंने चार मठ बनाए जो आज भी प्रचलित हैं। शंकराचार्य, उनके जो आचार्य होते हैं उनको भी शंकराचार्य ही बोलते हैं, और जो मूल थे इसलिए उनको आदि शंकराचार्य बोलते हैं, जो केरल देश में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत कार्य किया हमारे धर्म के लिए और इसको स्थापित करने के लिए। वैष्णव दर्शन में पांच विभाग हैं। एक विशिष्ट अद्वैत है श्री रामानुजाचार्य जी का, जो तमिलनाडु में हुए थे और दक्षिण में इसका बहुत प्रचार है। दूसरे द्वैत मध्वाचार्य जी हैं, जो कर्नाटक उडीपी इनका मुख्य केंद्र है। तीसरे श्री निम्बार्काचार्य जी हैं, ये वृंदावन एरिया में रहे, यहाँ उन्होंने प्रचार किया। चौथे श्री वल्लभाचार्य जी हैं, इन्होंने भी ब्रज में, गुजरात में, यहाँ पर बहुत प्रचार है, इनके अनुयायी मिलेंगे। और पांचवे जो हैं अचिंत्य भेदाभेद श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तो इनका आजकल बहुत प्रचार है। इस्कॉन सोसाइटी जो आप जानते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो ये मुख्य मुख्य थोड़ा मैंने एक इसका संक्षेप में वर्णन किया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं वो कितने हैं, किस प्रकार के हैं। इस विषय में मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। एक जो और मैं विषय थोड़ा संक्षेप में कहना चाहूँगा कि किसी हिंदू से अगर पूछा जाए कि आप हिंदू हैं, हिंदू किसे कहते हैं, तो बता नहीं सकता है, या हिंदुओं की मान्यता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विभाग हैं। कोई किसी देवता को मानता है, कोई दूसरे को मानता है, तो किसको वास्तव में हिंदू कहते हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे विषय लिखे हैं। वास्तव में ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ रटगर्स, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएस से है, वहाँ मैं पहले पढ़ाया करता था, अभी उनके विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनका एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है हिंदू, इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, उसमें से मैंने ये लगाया है। तो ये मैं सब सिखाता हूँ उनको, थोड़े और ज़्यादा डिटेल में होता है वहाँ पर। तो यहाँ मैं केवल इनको पढ़ूँगा क्योंकि ज़्यादा व्याख्या में नहीं कर सकता। तत्व, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इनमें से जो भी किसी को मानता है,
कोई ब्रह्म को मानता है, कोई परमात्मा भगवान, वेद को मानने वाले कर्म सिद्धांत को जो मानते हैं, जो आत्मा और पुनर्जन्म को मानते हैं, मोक्ष और माया के सिद्धांत को जानते हैं, जो वर्णाश्रम को मानते हैं, ये सब हर एक हिंदू इनको मानता है। और हिंदुओं के संस्कार हैं, 16 संस्कार मुख्य हैं, तो इसको मानते तो हैं, वो करें ना करें। गाय को हम पूज्य मानते हैं हिंदू लोग। 3 गुण का जो सिद्धांत है, सत्व, रजस, तमस, ये हिंदुओं की मान्यता है। हर एक हिंदू की कुछ ना कुछ साधना है, और कुछ नहीं तो होली दिवाली पे तो कुछ करते ही हैं, या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, शादी हो, कोई मर जाए तो श्राद्ध इत्यादि करते हैं। स्वर्ग और पितृलोक, इसकी मान्यता है। तो ये एक बहुत संक्षेप में मैंने बताया कि प्राय करके हर एक हिंदू जो है इन चीज़ों को मानता है। फिर मैंने पिछले पाठ में प्रस्थान त्रयी और संप्रदाय के बारे में बताया था कि जितनी भी हमारी मान्य संप्रदाय हैं, चाहे वो श्री शंकराचार्य जी की है, चाहे श्री रामानुजाचार्य की है, तो ये शास्त्र पर आधारित हैं, और मूल रूप से ये 3 शास्त्रों को मानते हैं। एक उपनिषद, जिन पर इनकी व्याख्या मिलेगी, एक वेदांत सूत्र और एक भगवद गीता। तो ये मैंने सब इसलिए कहा कि मैं ये दिखाना बताना चाहता था कि हम गीता जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे शास्त्र के सागर में कहाँ पर आती है, ताकि हमें एक दृष्टि मिले कि हम जो गीता पढ़ रहे हैं वो गीता वास्तव में क्या है। तो वेद और स्मृति शास्त्र, स्मृति शास्त्र में इतिहास पुराण, इतिहास में महाभारत, महाभारत का अंग भगवद गीता है, और प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता आती है। तो ये हमको समझना और अपने ध्यान में रखना। दूसरा एक विषय जो हमको ध्यान में रखना है कि हमारे शास्त्र जितने भी हैं, जितने भी दर्शन हैं, वहाँ ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की पद्धति मिलेगी आपको। चाहे आप न्याय पढ़ें, चाहे वैशेषिक दर्शन पढ़ें, चाहे सांख्य पढ़ें, चाहे योग पढ़ें, चाहे पूर्व मीमांसा, चाहे, तो वहाँ पूर्व पक्ष का मतलब है कि प्रश्न उठाया जाएगा, क्योंकि दर्शनों में आपस में मतभेद है। तो मानो अगर आप सांख्य पढ़ रहे हैं तो वो कुछ कहते हैं और न्याय उससे सहमत नहीं है, तो न्याय की दृष्टि से पूर्व पक्ष सांख्य वाले खुद ही उठाएंगे अपनी कक्षा में कि न्याय वाले तो ऐसा कहते हैं, आप ऐसा कहते हो, तो फिर सांख्य वालों को उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ये पद्धति हमारे यहाँ चलती है। तो इसलिए भगवद गीता में भी हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ मैं स्वयं कुछ पूर्व पक्ष उठाऊँगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा हमने तो ऐसा सुना है, और उसका उत्तर पक्ष मतलब सिद्धांत क्या है। तो उसकी भी एक शैली है, और विशेष तौर से जो सूत्र हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, हर एक दर्शन के सूत्र हैं, सांख्य के सूत्र हैं, योग के सूत्र हैं, पूर्व मीमांसा के सूत्र हैं, वेदांत के सूत्र हैं। तो सूत्रों को व्याख्या जो की जाती है वो इस पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से की पद्धति से की जाती है। उसमें विषय क्या है, फिर उसके ऊपर संशय उठाया जाएगा, फिर पूर्व पक्ष किया जाएगा। पूर्व पक्ष माने उसके विरोध में कुछ कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है। फिर उसका खंडन किया जाएगा, तो खंडन मंडन की शैली चलती है, उसको सिद्धांत या उत्तर पक्ष, और फिर संगति लगाई जाएगी। संगति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे शास्त्र का। आजकल जो चर्चा चलती है, जो शास्त्र का विरोध करने वाले हैं, जो अपने आप को मॉडर्न एडवांस्ड समझते हैं, विशेष तौर से जो लेफ्टिस्ट अपने को मानते हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि शास्त्र में से एक श्लोक उठा लेंगे कहीं से, शूद्र गंवार ढोल अरुनारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी, तो इसको उठा लिया कहीं से, फिर कहेंगे देखो आपके धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ है, नारी को मारने के लिए कहा गया है। तो ये अब हिंदू लोग क्या है, वो सुन के अपने बेचारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो ना तो अपने ग्रंथ पढ़ते हैं ना दूसरों के ग्रंथ पढ़ते हैं। दूसरों के ग्रंथ में नारी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं है, अगर वो उनको बता दें तो वो वैसे ही चुप हो जाएगा या तुम्हारा गला काटने चलेगा, जैसा अनुपुर शर्मा के साथ में हुआ। संगति का मतलब होता है संबंध, यानी कि हमारे यहाँ जो है हर एक चीज संबंधित है, इसलिए आप इसको कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। कोई श्लोक होगा तो उसमें शब्दों का आपस में संगति है, ये शब्द यहाँ पर क्यों आया, इसके बाद में ये क्यों आया, एक श्लोक के बाद में दूसरा श्लोक बोला जाता है,
उसका पिछले श्लोक से संगति है, संबंध है कि ये श्लोक क्यों आया। तो जो व्याख्याकार हैं वो इसको बताएंगे आपको। फिर अध्याय संगति, तो पहले पाद संगति, श्लोक संगति, अध्याय संगति कि इस अध्याय के बाद में दूसरा अध्याय क्यों आया है। उसके बाद में शास्त्र संगति कि शास्त्रों की आपस में क्या संगति है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संगति भी छह प्रकार की होती है। संगति षोडावश्यते, सप्रसंग उपोद्घात, हेतुता अवसर तथा। तो वो ये संगति एक अलग विषय है, इसी पर महीनों चर्चा हो सकती है। संगति क्या होती है, छह प्रकार की होती है। तो ये तो मैं केवल नाम मात्र के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रहे। तो संगति, तो मैं जो बोल रहा था कि आप कोई एक श्लोक, एक प्यार कहीं से निकाल के फिर उसके ऊपर आप विरोध जताएं, निंदा करें हमारे धर्मशास्त्रों की, नहीं, उस श्लोक को, उस प्यार को वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि ये किसने कहा है, किसको कहा है। ये पूर्व पक्ष का तो नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष में भी तो श्लोक होगा ना। अब पूर्व पक्ष के श्लोक को आप लेके कहें देखो यहाँ तो ऐसा लिखा, अरे वो तो पूर्व पक्ष है, हम खुद उसका उत्तर देंगे। तो अब जो ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे वो तो घबरा जाएंगे उसको सुन के। अब शूद्र ढोल गंवार रुनारी, ये समुद्र ने बोला है। जब भगवान रामचंद्र जो हैं वो लंका जाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने पहले समुद्र से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भैया हमको रास्ता दे दो, आप हमको जाना है लंका। तो समुद्र ने सुना नहीं, तो उन्होंने प्रतीक्षा की, तप किया, तो उन्होंने नहीं माना। तो फिर उन्होंने अपना जो है, जब कहते हैं ना कि बातों के भूत लातों से, या लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्होंने फिर लात लगाई उनको, अपना धनुष बाण निकाल लिया कि तुम नहीं करोगे तो मैं तो इसको तुम्हारे पानी को सुखा दूंगा पूरे को, क्योंकि वो तो भगवान और सर्वशक्तिमान है, जो इतने बड़े ब्रह्मांड को बना सकते हैं, छोटा समुद्र सुधारने के लिए कौन बड़ी बात है उनको। तो उस समय फिर जो है वो समुद्र हाथ जोड़ के आया, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब हर चीज़ के देवता हैं, अधिदेवता। हर चीज़ जो है तीन लेवल पर है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो जैसे यमुना जी हैं, तो जिस यमुना जी को हम देखते हैं इनका अधिभूत है, भौतिक स्वरूप है। इनकी एक देवी भी है, यमुना देवी, जिसका मंदिर आप देखें वहाँ यमुना जी की पूजा होती है हरिद्वार में, तो मंदिर बना हुआ है। तो देवी भी है यमुना देवी, जिनकी शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई, कालिंदी देवी भी बोलते हैं उनको। और फिर आध्यात्मिक, सबके अंदर आत्मा है। तो जो इस चीज़ को नहीं जानते वो कहते हैं पानी को क्यों पूज रहे भाई तुम पेड़ को क्यों पूज रहे हो, तुम पत्थर को क्यों पूज रहे हो। अरे हम पत्थर को नहीं पूज रहे, पत्थर के पीछे देवता है, उसको पूजते हैं। और इस पत्थर में और देवता में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी तो है ना, हमारा शरीर जो है भौतिक है, उसके ऊपर मन है वो अधिदेव है, और उसके ऊपर आत्मा है। तो किसी को प्रणाम करते हो तो कोई कहेगा अरे शरीर तो क्यों कर रहे हो, तो अधिभूत है, इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो। तो इस समय तो हमारी एक ही यूनिट है ना, एक ही इकाई है, तो इसलिए प्रणाम करते हैं उसको भी। तो ये संगति की बात मैं कर रहा था। तो वो तो समुद्र ने बोला उस दोहे को, तो वो समुद्र कहता है क्योंकि वो अपने को बचाव करना चाहता है। वो कहता है मैं तो गंवार हूँ, तो मैं तो पीटने के लायक ही हूँ। अब वो इतना भगवान सामने खड़े हुए हैं, वहाँ जाके कुछ कहे तो अपना विनम्रता भाव ही दिखाना पड़ेगा। तो वो कहना चाहता था कि मैं तो पीटने लायक ही हूँ, मेरे को पीट लो आप। तो ये वो कहना चाहता। अब उसमें एक उसने प्यार बोल दी, तो अब इसमें नारी ना, तो भगवान राम कह रहे हैं कि भाई नारी जो है वो ताड़न कह दिखा रही, ना तुलसीदास कह रहा है, ना कोई और कह रहा है, समुद्र बोल रहा है उसको। अब उसको उठा के जो है इतना बड़ा बना दो। तो इसलिए संगति को जानना आवश्यक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा है। जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो घबरा जाते हैं, और दूसरा लोग इसका लाभ लेते हैं। लाभ लेने का मतलब है कि हमारे अंदर जो पहले से हीन भावना भरी हुई है अपने धर्म के बारे में, हम और हीन हो जाते हैं। फिर उनको जो है धर्मांतरण करना बहुत आसान हो जाता है कि यार इनका ये तो बेकार का धर्म है।
फिर ये अनुबंध चतुष्टय, इसके विषय में भी मैंने बोला था, फिर भी मैं दोबारा से, क्योंकि ये सब नवीन विषय है। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध है। तो कोई भी ग्रंथ जो होता है उसके पहले ये चार चीज़ें समझना आवश्यक है, क्योंकि जानना चाहिए कि ये पुस्तक मेरे लिए है या नहीं है, इसमें मेरा अधिकार है या नहीं है, इसमें विषय क्या है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो समझना चाहिए ना विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, इससे क्या लाभ मिलेगा, और संबंध। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने पिछले पाठ में कहा था, शब्द अर्थ और ज्ञान की त्रिपुटी। और इसमें मैं फिर इस पर बल देकर कह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा समझिए, क्योंकि इसको ना समझने से गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, वेर एवर देर इज़ फायर देर इज़ स्मोक, ठीक है ना, ये तो सुना ही होगा सबने। तो इसलिए धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, वास्तव में जो न्यायिक होगा वो कहेगा नहीं ये गलत बोल रहे हो, धुएं से अग्नि का ज्ञान नहीं होता है, धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है। धुआं तो बहुत जगह है, उससे क्या अग्नि का ज्ञान हो जाता है? जब तक आपको धुएं का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, तो इसलिए समझना चाहिए। हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम उसका अर्थ नहीं जानते। तो अब आप जो है एक प्रकार से ये अपने घर पे एक्सरसाइज कीजिए, अपने जीवन में बहुत लाभ भी मिलेगा कि जब कोई आपसे बात कर रहा है तो उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए कि ये क्या बोल रहा है और इसका क्या अर्थ है। क्योंकि अनेक बार क्या होता है कि कोई कुछ कहता है, हम उसको ठीक से समझते नहीं है, आपस में गलतफहमी हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, या काम कर रहे हैं तो वहाँ आपस में प्रॉब्लम आ जाती है आपका जो अधिकारी व्यक्ति है उसके साथ में। तो ये आवश्यक है इसको समझना, शब्द अलग होता है, ज्ञान अलग होता है और अर्थ अलग होता है। तो ये भगवद गीता है, तो भगवद गीता एक शब्द है जिसको हम लिख सकते हैं, ये उसका अर्थ है, इसको विषय भी बोलते हैं। तो हर एक शब्द का एक विषय होता है, और शब्द और विषय का जो संबंध है उसको ज्ञान कहते हैं। तो संस्कृत में कोई भी व्यर्थ शब्द नहीं है, ये संस्कृत की विशेषता है। हिंदी में जैसे आप कह देंगे ना कि खाना वाना खा लिया भाई, तो खाना तो खा लिया, वाना क्या होता है, बोलते हैं ना इसे, पानी वानी पियोगे क्या, ठंडा वंडा लोगे कुछ, चाय वाय पियोगे कुछ, बोलते हैं ना ऐसे, हिंदी में बहुत है। तो ये जो वाय, वाणी, वाना, इनका कोई मतलब थोड़ी है। तो संस्कृत में ऐसे कोई शब्द नहीं है। संस्कृत में एक वाक्य है महाभाष्य में, अपदम मां प्रयुंजित है, कि जो पद नहीं है, यानी कि जिस पद शब्द का अर्थ है, जो जो जिसका अर्थ नहीं है उसको बोलते हैं अपद। यानी कि हमारे यहाँ तो शब्द को भी पद कहा, शब्द का भी एक पद है, लोग पद चाहते हैं ना, तो जो इसका अर्थ नहीं है वो तो अपद है, तो बेकार है। तो यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा संस्कृत में जो अर्थ ना हो, तो इसलिए उसको समझना आवश्यक है। तो कोई कुछ बात करता है, कहता है, या जब आप अपने आप को बात करते हैं तो आपको अपने शब्दों का अर्थ समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति भी अगर शब्द का वही अर्थ समझेगा तभी हम उसको अपना ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि हम अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं जिसको हम भाषा कहते हैं। तो भाष्यते अनेन इति भाषा, जिससे हम अपना मंतव्य है, जो हमारे अंदर कुछ विचारधारा है, ज्ञान है, इच्छा है, उसको दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, उसका माध्यम जो है वो भाषा है। तो अगर मेरे कोई शब्द का अर्थ ठीक से मालूम नहीं है तो दूसरे को भी ठीक से नहीं होगा, और अगर मेरे को शब्द का अर्थ अलग से मालूम है और दूसरा उसको भिन्न रूप से समझता है तो आपस में फिर गलतफहमी होगी। तो ऐसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने इसको कह दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसको वैसा नहीं समझ रहा है, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उसी शब्द का अलग अर्थ समझता है। जैसे हमारे यहाँ कल्याण शब्द है, मथुरा में एक सोसाइटी भी है कल्याणम करोति, तो कल्याण का मतलब होता है किसी का अच्छा करना। अब आंध्र प्रदेश में कल्याण शब्द का अर्थ होता है विवाह,
वहाँ कल्याण मंडप बने हुए हैं, मतलब विवाह मंडप, तो वहाँ तुमने कहा उसका कल्याण हो गया, तो वो तो कह रहे हैं उसकी शादी हो गई और आप सोच रहे हैं कि उसका क्या होगा। तो अगर ये नहीं पता होगा आपको तो समस्या हो जाएगी। ऐसे होता है अनेक शब्द भाषा में हमारे यहाँ, जैसे यहाँ पेड़ा बोलते हैं, पेड़ा हमारे यहाँ एक मिठाई है, किसी दूसरी भाषा में पेड़ा जो गाय के गोबर को कहते हैं, तो उसने कहा उसने पेड़ा खाया, तो कहे पेड़ा खाए कैसे संभव। या किसी को पूछो आप पेड़ा खाओगे क्या, आपके लिए पेड़ा लाऊंगे, तो वो पेड़ा का अर्थ गोबर समझ रहा है, तो क्या कहे मूर्ख है क्या है, मेरे को पेड़ा खिलाना चाहता हो, तो नाराज हो जाएगा। अब उसको भी पता नहीं है, वो सोच रहा है कि पेड़ा का अर्थ ये गोबर कैसे समझ रहा है यार, मैं सोचूंगा ये पेड़ा का अर्थ जो मिठाई समझ। तो ये आवश्यक है शब्द, तो क्योंकि हमारा जितना भी व्यवहार है वो सब शब्द से ही चलता है, और शब्द में बड़ी शक्ति है, अर्थ ना हो तो भी इसमें शक्ति है। इसलिए जो राजनेता हो लोग होते हैं उनके पास जो एक गुण होता है वो होता है शब्द व्यवहार का। वो इस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि आपके हृदय को स्पर्श कर जाए, तभी तो आप उनको वोट देंगे, उनके अनुयायी बनोगे। तो ये कला हर एक नेता जानता है, और समाज में अगर आप हैं तो आप भी एक नेता हैं। हर एक कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो नेतागिरी है ही ना आपकी भी। आप अपने परिवार में हैं तो वहाँ भी परिवार के लोगों से आपको व्यवहार करना है, तो उनके नेता, तो आपको भी ये कला आनी चाहिए कि आप शब्द का प्रयोग किस प्रकार से करें ताकि अपने मंतव्य को, अपने विचारधारा को ठीक से प्रकट कर सकें, और दूसरे के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी इसकी, इसको भी समझें, और दूसरा इस शब्द का क्या अर्थ समझता है। क्योंकि आजकल शब्दों, हमारे शास्त्र में जो प्रेम शब्द का प्रयोग है उसका कुछ अर्थ है, आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग होता है बिल्कुल अलग है, क्योंकि शब्दों के अर्थ समय के साथ भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ भी जो है एक गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, अब अनेक शब्द जो आज हम व्यवहार में ला रहे हैं उनका अर्थ कुछ अलग है, शास्त्र में उसका अर्थ कुछ अलग था, तो इससे बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो सब हमको जानना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इस विषय को रखा था कि हम सब इसको समझें। फिर वैसे तो समय हो गया है, तो लेकिन अंतिम स्लाइड इस पर बात करके फिर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, तो ये संस्कृत भाषा की ये एक अपनी अपूर्वता है कि यहाँ हर शब्द पर विचार किया जाता है, क्योंकि कोई भी निरर्थक शब्द नहीं है, तो इसलिए उसको ठीक से बताते हैं, समझाते हैं। तो शास्त्र शब्द जो है वो शास्त्र हिंसायाम धातु से आता है, शास्त्र सशु अनुशिष्ट धातु से, जिससे शासन किया जाता है। तो दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक शस्त्र है एक शास्त्र है। हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है, शस्त्र की भी उतनी आवश्यकता है, शास्त्र की भी उतनी आवश्यकता है। आज हमने शास्त्र को बुला दिया इसलिए पराधीन हो गए। केवल शस्त्र से भी काम नहीं चलता है, और केवल शास्त्र से भी काम नहीं चलता है। इसलिए जो ये वर्णाश्रम में हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय को बनाए, ये बहुत आवश्यक था हमारे समाज को चलाने के लिए। जैसे हमारे हाथ हैं, तो आपको कहीं भी युद्ध करना होगा तो हाथ से ही करेंगे ना, इसलिए जिनसे युद्ध करते हैं उनको हथियार बोलते हैं। हथियार क्यों बोलते हैं, कि हाथ से चलाते हैं उनको, अंग्रेजी में भी आर्म बोलते हैं ना उनको, और जो लड़ती है उसको आर्मी बोलते हैं। तो वो क्षत्रिय है, तो जो पुरुष सूक्त में कहा है कि क्षत्रिय भगवान के हाथों से निकले, उसका कहने का मतलब यही है कि ब्राह्मण उनके सिर से निकले, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत। तो एक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जो हाथ चलेंगे वो तो मेरे मन के अनुसार चलेंगे ना, तो मन में अगर मेरी विकृति है तो मेरे हाथ भी विकार का काम करेंगे, झगड़ा करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, मेरे अपने हाथों का दुरुपयोग। लेकिन अगर मेरा मन जो है वो सही है, शांत है और ज्ञान में स्थित है, तो मैं हाथ का उपयोग भी ठीक से करूँगा। तो ऐसे ही समाज में है, तो इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। दोनों से अनुशासन होता है, शस्त्र से भी अनुशासन होता है डिसिप्लिन, और शास्त्र से जो अपने को डिसिप्लिन किया जाता है।
तो बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको समझना। क्योंकि अगर हम स्वयं अनुशासित नहीं है अपने जीवन में, तो हम दूसरे को भी अनुशासित नहीं कर सकते। परिवार में माँ बाप जो है शिकायत करते रहते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, क्या करें। मेरे पास इस प्रकार की ईमेल आती है बहुत, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, क्या करें। न सुनते नहीं है क्योंकि आप भी नहीं सुनते हो किसी की, आपने भी नहीं सुना है। तो शास्त्र जो है, एक तो इसका ये अर्थ हो गया कि ये अनुशासन के लिए है, शासनात् शास्त्र। और दूसरा ये है कि ये हमको सिखाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये इसका व्याख्या दिया है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम ये न पुदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र उसे कहते हैं जो हमको कहता है कि आपको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो दो प्रकार का है, एक नित्य है जो हमेशा करना चाहिए आपको, और एक वो है जो कभी कभी विशेष परिस्थिति में करना पड़ता है। तो इसी को शास्त्र बोलते हैं। और जीव गोस्वामी जी का एक वाक्य है यहाँ परमात्मा संदर्भ से मैंने उद्धृत किया है, शास्त्रम ही सर्व प्रमाण अगोचर विविध अनंत ज्ञानमयम। शास्त्र वो ज्ञान देता है आपको जो आपको किसी और प्रमाण से और किसी स्रोत से प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान शास्त्र आपको देता है और ये अनंत है। तो इसलिए इसको समझना आवश्यक है हमें अपने जीवन में, कि हमको अपना जीवन कैसे व्यवहार में करना है, कैसे आचरण में लाना है, क्या आचार है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कर्तुम अर्हसि। कि आप शास्त्र प्रमाण से समझें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे मेरे को तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर उन्होंने बताया कि क्या होगा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स शांति मवापनोति न सुखम न परांगति। कहते हैं जो शास्त्र को नहीं मानता है, तो उन्होंने कहा उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं तो आनंद में अपनी बंसी बजाता हूँ, लेकिन आपकी हानि होगी। तो उन्होंने कहा जो शास्त्र को नहीं मानकर काम करता है, उसको न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी, मोक्ष इत्यादि की तो बात छोड़ दीजिए। बोलो ना आप यहाँ सुखी रहेंगे न मरने के बाद में सुखी रहेंगे। और यही स्थिति आज पूरी दुनिया में पूरे समाज की है, भारत की भी। जबकि भारत का मतलब है जहाँ ज्ञान की निधि है, भंडार है। तो इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो आज का वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगली बार में फिर यहाँ से आगे चलेंगे। अब प्रश्न किसी को कुछ करना हो तो। सो देयर इज अ क्वेश्चन, विच इज बेटर अद्वैत और वैष्णव? So which is better, that depends on your goal. So there are two sides of the ultimate reality. One is personal side, other is impersonal side. So just like you have sun, so sun has form, qualities, and then there is sunlight which is spread all around. That is formless. So every object has got form and its qualities. Qualities are formless. So Advaita Vedanta has the philosophy that ultimate reality is Brahman, which is qualityless and formless. So if that is one's goal, that one wants to realize impersonal aspect of the reality, then Advaita Vedanta is the path for that. Vaishnava path is the path for personal realization of the reality, which we call as Bhagavan. So it all depends on what is your. Baba ji, Hindi में बोलिए please. लोग आप शब्द English में चले गए. यार यही तो समस्या है. तो अद्वैत मार्ग जो है वो निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए है. भगवान के दो तत्व हैं, एक साकार तत्व है एक निराकार तत्व है. साकार तत्व को भगवान कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, राम है. और निराकार तत्व को ब्रह्म बोलते हैं. तो अगर आपका उद्देश्य निराकार तत्व की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए अद्वैत मार्ग है. और अगर साकार तत्व को प्राप्त करना है, तो उसके लिए वैष्णव मार्ग है.
तो इस पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर दोनों की पद्धति अलग है, साधना अलग है। हाँ जी शक्ति जी। प्रणाम गुरु जी, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। मैं आज आपके जो प्रवचन सुन रहा था उसमें आपने जो दो तीन क्वेश्चन थे, एक तो हिंदू पहचान के विषय के बारे में आपने बताया कि आपके यहाँ बहुत से विद्यार्थी आते हैं और उनको आप हिंदू के बारे में आपने बताया, और शब्द अर्थ और ज्ञान के बारे में भी बताया कि हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। आपने आज हिंदू का भी उपयोग किया और भारतीय शब्द का भी उपयोग किया, तो मैं एज ए नॉर्मल पर्सन ये जानना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों को हिंदू कहना चाहिए या भारतीय कहना चाहिए या इंडियन कहना चाहिए, आपके हिसाब से क्या अच्छा, क्योंकि शब्द अर्थ और ज्ञान इसके बारे में आप कीजिए कि हम लोगों को क्या कहना चाहिए। तो वास्तव में ये जो हिंदू शब्द है ये तो बाद में आया है। जैसे आप गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, पुराण पढ़ें, इतिहास पढ़ें, तो वहाँ कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। वहाँ आपको शब्द मिलेगा आर्य। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, कि आप अनार्य की तरह क्यों, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। तो हमारे यहाँ आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसको आर्य संस्कृति बोलते थे, आर्यव्रत इस जगह का नाम था, या फिर सनातनी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म को सनातन, ऐसा धर्म सनातन, सनातन शब्द का प्रयोग मनुस्मृति में भी हुआ है। तो हिंदू का एक व्याख्या जो की जाती है वो यही है कि जैसे सिंधु नदी है, तो ये जो अरबिक भाषाएं हैं उनमें सा को हा प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में भी आप देखते हैं ना, है शब्द लगाते हैं, हफ्ता बोलते हैं ना हफ्ता, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सात। तो वास्तव में शब्द तो सप्त है, एक द्वि त्रि चतुर पंच षड् सप्त, तो सप्त में सा का हा हो गया तो उसका हफ्ता बन गया। तो ये हफ्ता किसने चलाया, ये जब ये अरब मुगल लोग यहाँ पर राज्य करने लगे उनके कारण हफ्ता बना है, वास्तव में तो सप्ताह है। संस्कृत की पुस्तकों में सप्ताह ही मिलेगा आपको, जैसे कहते हैं ना भागवत सप्ताह, कि यार ये भागवत सप्ताह चल रहा आपने सुना होगा, तो वो सात सात शब्द भी सप्त से ही आया है, लेकिन उसका जो हफ्ता जो आप प्रयोग करते हैं वो इस कारण से। तो ऐसे ही सिंधु को वो हिंदू बोलते हैं, और सिंधु नदी के इधर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहने लगे, और उस स्थान को हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, ये जो स्थान शब्द है स्थान, ये भी संस्कृत का स्थान है। जैसे पाकिस्तान वो लोग जानते नहीं है, वो तो स्थान शब्द है। आप संस्कृत से तो इतने नाराज़ हैं लेकिन आपका नाम तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पाकों का स्थान, अजबेगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी स्थान स्थान है ये संस्कृत का स्थान है। और फिर आग ऊपर और चले जाओ इंग्लैंड, इंग्लैंड तो वहाँ वो टन हो जाता है, जैसे बर्लिंगटन, वाशिंगटन, वो टन भी स्थान से आया है और कहीं से नहीं आया, वो सा को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, बस धीरे धीरे ड्रॉप हो जाता है ना। जैसे लोग स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, कोई टेशन बोलता है, गांव की भाषा में टेशन बोलते हैं ना, टेशन। तो ऐसे स्थान का तान हो गया, तान का टन हो गया, तो ये सब चलता है, आया संस्कृत से। तो बहुत अच्छी तरह से गुरु जी बताया आपने शब्द अर्थ और उसका उच्चारण, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक शब्द अभी भी मैं जानना चाहता हूँ कि हमको कहना क्या चाहिए, हमें भारतीय कहना चाहिए, हिंदुस्तानी कहना चाहिए या इंडियन कहना चाहिए। इंडियन तो अंग्रेजी का शब्द है, वो भी हिंदी से ही आया है, इंडिया, इंडिया, हिंदुस्तान, एच को अंग्रेजों ने एच को ड्रॉप कर दिया तो इंडिया बन गया उनका। वो जो इंडिया जो है वो हिंदू इंडोलॉजिकल सुना होगा ना, वो इंडोलॉजिकल एच को ड्रॉप करके बना है। तो वास्तव में हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, लेकिन अब क्योंकि ये शब्द इतना प्रचारित हो गया है तो इसको अब आप रोक भी नहीं सकते हो, इसलिए हिंदू भी कह सकते हो। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। और कोई प्रश्न? क्वेश्चन आंसर में कुछ प्रश्न है बाबा जी, आप पढ़ सकते हो।
18 पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति और विलय एक ही प्रकार से लिखी हुई है। नहीं, एक प्रकार से नहीं है, उसमें कुछ भेद भी मिलते हैं, क्योंकि जो उसका वर्णन करता है वो किसके लिए वर्णन कर रहा है उसके अनुसार वर्णन करता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम किस स्तर के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार वर्णन करते हैं। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक प्रकार होगा पढ़ाने का। हम ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वही विषय, तो हम थोड़े हम और ज़्यादा सूक्ष्मता से गहराई से पढ़ाएंगे। तो इसलिए वर्णन में भेद भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार से। फिर दूसरा ये है कि यहाँ केवल उनको सृष्टि का वर्णन करना उनका प्रयोजन नहीं है, ये भी हमको समझना चाहिए। उनका प्रयोजन तो आपको अध्यात्म मार्ग में लाने का है, तो उस दृष्टि से भी उसका वर्णन अलग अलग मिलता है कि इसकी जो मतलब विचारधारा क्या है। तो कोई जो शिव को ज़्यादा मानता है तो सृष्टि इस दृष्टि से दिखाएंगे कि शिव ने ही सब कुछ किया है। कोई विष्णु को मानता है तो उस दृष्टि से, कोई देवी को मानता है क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें बैठानी है। क्योंकि वास्तव में तो सृष्टि व्याख्या करने का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा आपको, ठीक है आपने समझ ली, लेकिन उसका मन भगवान में लगाना और भगवान में श्रद्धा पैदा करना ये वास्तविक उद्देश्य है। तो उस दृष्टि से अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलते हैं। क्वेश्चन, कैन यू रिपीट दिस आत्मा? आतत्वात् मतत्वात् आत्मो ही भगवान हरि। और तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द माइंड? बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द माइंड इज, भगवान ने गीता में कहा है कि माम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति, मेरे को जान के शांति प्राप्त होती है। तो भगवान में अपना मन लगाइए, उसी से सब डिसिप्लिन होगा। अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य न च गृह्यते, अर्जुन ने पूछा था ये प्रश्न। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुष्करम, कि मन को किस प्रकार से नियंत्रण में रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा अगर आपने बहुत दिन तक ट्रेन ना करें, बड़ा हो जाए फिर उसको नियंत्रण में रखना कठिन होता है। तो ये तो हजार घोड़ों की ताकत है इसमें, तो इसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। दो प्रश्न और हैं बाबू भाई इसमें, आप पढ़ के सुना दो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक है इन ये अद्वैत और द्वैत का जिन्होंने पूछा था, संदीप पांचाल, वो कह रहे हैं कि भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे साकार रूप का ध्यान ज्यादा अच्छा है, तो मैं किस मार्ग पर चलूं? इसी पर चलिए, ठीक है, ये आसान है। उन्होंने कहा कि साकार, क्योंकि अगर निराकार पे आप ध्यान करेंगे तो बड़ा कठिन है। अव्यक्तम ही गतिर दुखम देहावत भी रवाप्यते, ये शब्द है भगवान का 12वें अध्याय में। ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था तेषाम के योग्य वित्त में, कि इन दोनों में कौन बढ़िया है। तो कहते हैं कि जो साकार पे ध्यान लगाएगा वो आसान है, निराकार पे आप कैसे ध्यान लगाएंगे? मन जो है कभी भी निराकार का ध्यान नहीं लगा सकता, संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो वो अच्छा बुरा है इसलिए नहीं कहा कि फिर वो लोग कहते हैं कि इसको अच्छा इसको बुरा बता रहा है, लेकिन आसान जो है वो साकार मार्ग ही है, और साकार में निराकार का भी ज्ञान हो जाता है। ये विषय मैंने इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोला कि भगवत गीता में ही आएगा, ये अनेक विषय है, सब भगवत गीता में आगे आएंगे, तब हम इन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट प्रश्न है बाबा जी, आपने बोला कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, फ्रॉम विच एपिक बुक वन शुड स्टार्ट सो दैट ही कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी फर्दर, लाइक विच बुक इज फॉर द प्री प्राइमरी लेवल? तो आप ऐसा है कि आप महाभारत पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत कहानियाँ हैं, और व्यास जी ने इसलिए लिखा था ये, क्यों वेद इत्यादि उन्होंने कहा कि आम आदमी के समझ में नहीं आते हैं, तो महाभारत की रचना इसलिए उन्होंने की थी। स्त्री वैश्य दिश बंधु नाम त्रय न श्रुति गोचरा,
कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भव यह तथा कृपया मुनिना भारतम कृतम। तो उन्होंने कृपा करके महाभारत बनाया, तो आप उसको पढ़िए, इससे आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा। एक और प्रश्न है, इन वेदांत अपार्ट फ्रॉम अद्वैत एंड वैष्णव संप्रदाय आल्सो देयर इज शैव एंड शाक्य संप्रदाय, सो डू दे आल्सो लीड टू द अल्टीमेट ट्रुथ? इट डिपेंड्स व्हाट यू कॉल अल्टीमेट ट्रुथ। फर्स्ट इट हैज टू बी डिफाइंड, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है पहले इसको आप बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा शब्द और शब्द का अर्थ, और मेरी आदत है ये, मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हूँ कि जब आप शब्द का प्रयोग करें तो मेरे ऊपर ऐसे ही मत फेंक दें और समझें कि मैंने भी जान लिया। मैं जानना चाहता हूँ आप किसको अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं, तब मैं आपका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेट ट्रुथ एक तरह से जानता हूँ, और आपका प्रश्न से ही मेरे को लग रहा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अल्टीमेट ट्रुथ शब्द की वो मेरे से मेल नहीं खाती है, तो इसलिए मैं आपका पहले सुनना चाहता हूँ। तो बोलेंगे आप अल्टीमेट ट्रुथ का क्या अर्थ है जो प्रश्न पूछ रहे थे शाक्त शैव संप्रदाय में? उन्होंने लिखा हुआ है तो शायद पता नहीं कुछ लिखेंगे, मेरे ख्याल से अगली बार से जिसको भी प्रश्न पूछना है वो Q&A में अपना प्रश्न टाइप कर दे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ वो अच्छा है, ठीक है बाबा जी, ठीक है। तो एक जो है अंत में मैंने 5 श्लोक बनाए हैं, बनाए मतलब मैंने शास्त्र से लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंत में जो है हम सब इनका उच्चारण करें। तो पहला ये श्लोक है, दिखाई देता है सब, तो आप सब मेरे साथ पढ़ सकते हैं या मैं बोलूं और आप मेरे पीछे बोलें। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये अंतिम श्लोक कहता है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और जहाँ पार्थ धनुर्धर है वहीं पर श्री विजय विभूति और ध्रुव नीति होगी। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण मतलब ये तो हैं शास्त्र, क्योंकि योगेश्वर इन्होंने गीता बोली है, और पार्थ और धनुर्धर वो है शस्त्र। तो जहाँ शास्त्र और शस्त्र का मेल होगा वहीं पर श्री यानी कि धन दौलत विद्या सब और विजय और भूति सब वहीं पर होगी। इसलिए मैंने कहा था पहले कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है, और गीता का ये अंतिम श्लोक है। तो इसी के लिए मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए।